हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? ठीक, मस्त। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे? इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था कि उसको कैसे बनाएंगे, और इसका आज नेक्स्ट पार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्या? वो सेंटेंस, वो वाक्य जिसमें कोई हम क्वेश्चन करते हैं, यानी कोई सवाल पूछते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे हम आपसे पूछें, क्या मैं पढ़ाता हूँ या क्या तुम पढ़ते हो? ये कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम नहाते हो, क्या तुम फल खाते हो, क्या तुम पतंग उड़ाते हो? तो इसमें हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, तो इसमें कोई वाक्य है, ठीक, तो इसमें पहले क्या आ रहा है और कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। और इनके स्थान पर क्या, क्यों, कब भी आ सकते हैं। इन्हें इंग्लिश में इंटरोगेटिव वर्ड कहते हैं। तो इन सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? ये देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें क्या, यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड, मतलब जो सवाल पूछा क्या है ना, क्या लगा है, तभी यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा, इसलिए इसे इंटरोगेटिव वर्ड कहते हैं। तो जब इंटरोगेटिव वर्ड किसी वाक्य में पहले आए तो ये फॉर्मेशन है। जब यदि इंटरोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए तो उसको फॉर्मेशन दूसरा होगा। ठीक, तो यहाँ पहले आया है क्या, यानी इंटरोगेटिव वर्ड, तो हम यहाँ पे फॉर्मेशन ये लगेगा। देखते हैं इसका फॉर्मेशन क्या है। क्या वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे क्या आया, इंटरोगेटिव वर्ड पहले आया है। ठीक, तो इसको मैं देखिए, ये फॉर्मेशन बनेगा। फॉर्मेशन क्या है, डू डज, कोई भी वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें इसका फॉर्मेशन डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या फिर से, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, और इसके इन वाक्य के अंत में, यानी जब ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, तो आप इस क्वेश्चन मार्क से भी पहचान सकते हैं कि ये वाक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये देखिए, सब में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये देखिए, तो आप इससे पहचान सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम इस तरह बनाएंगे, तो क्या वाक किताब पढ़ता है, ता है आया, तो आप पहले ही पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, तो इसको बनाएंगे कैसे, क्या वह किताब पढ़ता है, इसका तो फॉर्मेशन ये है, तो क्या कि यहाँ पे हम लोग मीनिंग नहीं लिखेंगे, क्या की वर्ड होती है पर हम लोग क्या की मीनिंग नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर हम लोग क्या के स्थान पर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज लिखेंगे। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज, तो हम लोग क्या के स्थान पर डू या डज में से कोई लिखेंगे, तो आप डू लिखेंगे कि डज लिखेंगे, कैसे पता चलेगा हमको? हमने आपको बताया था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, प्लूरल सब्जेक्ट है डू, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो क्या लगेगा, डज लगेगा, सिंगुलर के लिए डज लगता है, तो डज वह सब्जेक्ट है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है, ही लिख दिया। किताब पढ़ता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब कौन सी है, पढ़ना, पढ़ना की वर्ब क्या होती है, रीड, और फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो रीड ही होगी, तो रीड लिख दिया। किताब पढ़ता है, ऑब्जेक्ट, किताब ऑब्जेक्ट, तो द बुक। ठीक, द यहाँ प्रीपोजिशन है जो लगाते हम लोग, तो द बुक, तो फिर से क्या हुआ, किताब पढ़ता है, तो डज ही रीड द बुक। ठीक, समझ में आया आपको, देखिए एक बार देख लीजिए। अब सेकेंड एग्जाम्पल इसका, क्या तुम पतंग उड़ाते हो, बताइए यस कि नो, बताइए क्या तुम पतंग उड़ाते हो, हम तो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो क्वेश्चन है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इस फॉर्मेशन का प्रयोग करके हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, क्या तुम पतंग उड़ाते हो, तो क्या तुम, तो हमने कहा था क्या की मीनिंग नहीं लिखेंगे,
क्या के स्थान पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी डज। तो यहाँ फिर हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या तुम यू, यू प्रियुलर सब्जेक्ट है, यू प्रियुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे प्रियुलर के डू लगता है तो डू। फिर सब्जेक्ट यू, पतंग उड़ाते हो, उड़ाना, उड़ाना की फ्लाई होती है और फर्स्ट फॉर्म तो फ्लाई ही होती है, तो डू यू फ्लाई द काइट, द होगा ठीक, द काइट ठीक। और थर्ड एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं स्नान करता हूँ, क्या मैं स्नान करता हूँ ठीक, तो डू क्या मैं स्नान करता हूँ, तो क्या लगेगा फॉर्मेशन क्या है, डू या डज लगेगा, डू या डज लगेगा, तब डू में डज में कोई एक लगेगा। तो फिर मैं देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है तो प्रियुलर सब्जेक्ट आई, तो यहाँ पे डू आई के बाद नाना की यानी स्नान करने के बाद, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हम लोग इसको वर्ब तक ही सीमित रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट आया होता तो हम इसके आगे बनाते, नहीं आते यहीं तक ठीक। ये वो फिर से हम आपको समझाते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें हम लोग कोई क्वेश्चन करते हैं किसी से उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसका ये फॉर्मेशन है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप से बनते हैं, एक जिसमें इंटरोगेटिव वर्ड पहले आया हो, वाक्य के शुरुआत में आया हो, जैसे ये इसमें शुरुआत में आ रहा है क्या 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 इंटरोगेटिव वर्ड है, क्योंकि इन्हीं से प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा है, इन्हीं से प्रश्न आ रहा है क्या, अगर ये क्या ना होता तो वह किताब पढ़ता है तो फिर हो गया अफर्मेटिव, और क्या के आने से ये हो गया प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव, तो इसीलिए इन्हें इंटरोगेटिव वर्ड कहते हैं। तो क्या है क्या है क्या इसमें पहले आ रहा, तो इसके लिए ये फॉर्मेशन। और दूसरा टाइप जब बीच में कहीं पे आए, इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आए, तो हम लोग उसका दूसरा फॉर्मेशन अभी देखेंगे। तो आप देख लीजिए फॉर्मेशन, जब क्या पहले या शुरुआत में आए, इंटरोगेटिव वर्ड पहले आए, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या एग्जांपल, क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड द बुक। क्या तुम पतंग उड़ाते हो, डू यू फ्लाई इन द स्काई, सॉरी फ्लाई इन द स्काई नहीं, डू यू फ्लाई द काइट। क्या मैं स्नान करता हूँ, डू आई बाथ ठीक। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ आया है, और कोई मिस्टेक हो तो आप वो भी बताइए जिससे हम नेक्स्ट के वीडियो में सुधार कर सकें। और ये एक्सरसाइज है, इन्हें आप कर सकते हैं। क्या एक्सरसाइज है, क्या मीना पूजा करती है, ये क्वेश्चन एक है। क्या राम खेलता है, ये भी क्वेश्चन हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं। क्या तुम घर जाते हो, क्या मैं फूल तोड़ता हूँ, क्या वे फल खाते हैं, तो ये सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, प्रेजेंट डेफिनेट के इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं ठीक। अब इसका हम लोग नेगेटिव भी सीखेंगे ठीक। ठीक है, और कल की वीडियो में यानी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे ठीक है। थैंक यू सो मच।